टेक न्यूज 24 मैं हूं श्रेया आपके साथ। जिस तरीके से बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर काफी मामले सामने आ रहे हैं, इसको लेकर एक बार फिर से सियासत काफी ज्यादा तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो अभी हाल ही में दुबई जाकर अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाते हुए नजर आ रहे हैं, पर उसके बावजूद वो सियासी गलियारों का पीछा नहीं छोड़ रहे। कहा जाए तो उन्होंने फिर से अपने एक्स हैंडल पोस्ट के द्वारा एक ऐसा खबर लिखा जिसके बाद सीधे सीधे नीतीश कुमार को घेरे में लिया है। जैसे कि हाल ही में जैसे कि बड़े बड़े मामले सामने आ रहे थे, चाहे वो हत्याकांड हो चाहे वो लूटपाट के केस हो, वो इतने ज्यादा बढ़ गए थे बिहार में, जिसको लेकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे एक लंबी लिस्ट जाहिर कर ली है, जिसके बाद नीतीश कुमार के ऊपर कहा जाए तो बड़ा तंज कसा है और काफी बड़े बड़े बयान भी दिए हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, आइए आपके बीच साझा करते, बने रहिए हमारे साथ। और क्या कुछ है वो लंबी लिस्ट आपके बीच हम साझा करेंगे, देखते रहिएगा वीडियो को अंत तक। विपक्ष का मानना है कि बिहार में आपराधिक घटनाएं बेतहाशा बढ़ी हैं। प्रतिदिन राज्य में किसी ना किसी हिस्से में अपराध की कोई ना कोई वारदात हो ही रही है। बढ़ते अपराध को लेकर राज्य के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लंबे समय से सरकार को घेरते रहे हैं। वे फिलहाल परिवार के साथ दुबई में छुट्टियां बिता रहे हैं, लेकिन वह सरकार की घेराबंदी का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। गुरुवार को उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर फिर अपराध की 143 घटनाओं की सूची जारी की है, जिसमें तेजस्वी यादव ने अपनी इस पोस्ट में लिखा है कि बिहार में अपराध की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। नेता प्रतिपक्ष ने लिखा कि राम नाम सत्य, सुशासन की है तथ्य और अपराधियों का है अर्थ। इसके साथ ही उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से मुजफ्फरपुर, मुंगेर, बेगूसराय, पटना समेत अन्य जिलों की घटित घटनाओं पर पूरी सूची भी जाहिर की है। नेता प्रतिपक्ष ने पोस्ट में लिखा है कि अब ये मत कहना कि बिहार में जंगल राज है नहीं है और ये तो कयामत आ गई है। तेजस्वी ने गिनवाई क्राइम की पूरी लिस्ट, जिस तरीके से बेगूसराय में बुजुर्ग की हत्या, मधुबनी में पूजा देखते जा रहे युवक को गोली मारकर हत्या, पटना भीटा में मछली पकड़ने गए युवक को गोली मारकर हत्या, पश्चिमी चंपारण के युवक की हत्या, अवरल में माले नेता सुनील चंद्रवंशी की हत्या, पटना में पीट पीट कर एक युवक की हत्या, रोहतास में सरपंच की हत्या, सासाराम में पत्थर के कूच युवक की बेरहमी से हत्या, पटना में गला रेत कर महिला की हत्या, समस्तीपुर में मुखिया संघ के अध्यक्ष को गोली मारकर हत्या कर दी गई, शेखपुरा के शख्स को बेरहमी से हत्या कर दी गई, सीतारमी में किन्नर की हत्या। और ऐसे उन्होंने 143 मामले जो है वो दर्ज कराए हैं। तो जैसा कि आपने इस खबर में सुना और आप इस पोस्ट में देख भी सकते हैं कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने बिहार में जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है उस पर बड़ा सवाल उठाया है, और ये सवाल जो है कहीं ना कहीं सही भी है, गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पिछले दिन बेतहाशा जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं क्राइम के, ये काफी बड़ा सवाल उठाता है, काफी बड़ी बात हो जाती है कि इतने कम समय में इतने लोगों की हत्या हो जाना, इतने लोगों के साथ दुष्कर्म कर जाना, ये कोई छोटी बात नहीं है और इस पर बिहार सरकार को तुरंत से तुरंत एक्शन लेना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। तेजस्वी यादव की इस पोस्ट को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए ऐसे ही तमाम न्यूज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे एक न्यूज 24। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और फॉलो करें। धन्यवाद।